पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हो। परीक्षित, उस यात्रा में अनर्थ धन्व कुरु जांगल कक के मत से पंचाल कुंती मधु के कई कौशल अर्न आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखार बिंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की आज्ञा दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्ज्वल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों को विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुँचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा ना रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा ना था, हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश, बहुलाश्व और श्रुतदेव ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं, उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे और यह बात एक दूसरे को मालूम ना हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। विदेहराज बहुलाश्व बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगाए और भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश्व की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उर्द्वेग से उनका हृदय भर आया था, नेत्रों में आंसू उमर रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम
अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया और फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंध माला वस्त्र अलंकार धूप दीप अर्घ्य गौ बेल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलाश्व ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश हैं, हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान आपके वचन है कि मेरा अन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवशता की जानकार भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। प्रभो आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं, सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है, परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक रस अनंत आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमी वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर
आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही श्रुत देव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विहल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे।